नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष फिर से स्वागत करता हूँ आपको अपने इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है गेट विद मनीष। तो दोस्तों, जो मैं टाइम एंड डिस्टेंस का जो सीरीज लेकर चल रहा हूँ उसी का ये तीसरा पार्ट है। उसमें मैं आपको दो तीन और भी प्रश्न करा दूंगा जो कि थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लैंग्वेज प्रॉब्लम क्योंकि एक्चुअली होता है क्या कि SSC में लैंग्वेज प्रॉब्लम टाइप का एक क्वेश्चन आ जाता है कि आपको कंसेप्ट आते हुए भी लैंग्वेज में आपको ऐसा उलझाया जाएगा कि आप उसको समझ नहीं पाते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं और उसको आप रियलाइज कीजिएगा कि कैसे इसको बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कह रहा है पैसेंजर सिटिंग इन ए ट्रेन ऑफ लेंथ 1 मीटर विच इज रनिंग विद ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर पासिंग थ्रू 2 ब्रिजेस नोटिस दैट ही क्रॉसेस द फर्स्ट ब्रिज एंड सेकेंड ब्रिज इन टाइम इंटरवल विच आर इन रेशियो 7:4 रिस्पेक्टिवली इफ द लेंथ ऑफ फर्स्ट ब्रिज इज 280 मीटर देन लेंथ ऑफ सेकेंड ब्रिज इज। तो दोस्तों ये क्या प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि एक ट्रेन है उसमें एक पैसेंजर बैठा हुआ है, तो पैसेंजर ट्रेन की लंबाई क्या दिया है 1 मीटर। मान लिया 1 मीटर का एक ट्रेन दिया हुआ है और उसमें जो पैसेंजर बैठा हुआ है, मान लिया ये ट्रेन है और इसमें एक पैसेंजर है, मान लिया यहाँ पे पैसेंजर बैठा हुआ है। एक दो ब्रिज है, एक ये ब्रिज है एक ये ब्रिज है, दो ब्रिज है। तो कह रहा है क्या कि उस ट्रेन के में जो बैठे पैसेंजर है वो ऐसा महसूस करता है कि पहले ब्रिज का जो क्रॉस करने में लगा समय और दूसरे ब्रिज का जो क्रॉस करने में समय लगा उसका रेशियो 7:4 है, यानी कि अगर 7 मिनट इसको क्रॉस करने में लग जाता है तो 4 मिनट इसको लग जाता है, मतलब सेकेंड, ये फर्स्ट है ये सेकेंड ब्रिज है। तो ये जो ट्रेन में बैठा पैसेंजर है उसको ऐसा महसूस होता है कि फर्स्ट ब्रिज को पार करने में उसको 7 मिनट लग रहा है और सेकंड ब्रिज को 4 मिनट। मिनट इसलिए हम अज्यूम कर लें, मिनट से मिनट का कैंसिल हो जाएगा तो 7:4। तो इस तरीके से हम रेशियो को मिनट में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब अज्यूम कर रहे हैं। आगे है लेंथ ऑफ फर्स्ट ब्रिज, अगर इस ब्रिज का लेंथ कितना है 280 मीटर, तो इस ब्रिज का लेंथ क्या है, अगर इस ब्रिज का लेंथ 280 मीटर है तो इस ब्रिज का लेंथ क्या है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो क्या है कि अगर स्पीड तो इसका सेम ही है, दोनों ब्रिज में जा रहा है तो स्पीड तो इस ट्रेन का सेम ही है, तो हमको स्पीड सेम है, तो स्पीड सेम है तो उसमें टाइम क्या होता है, टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ यानी डिस्टेंस, या इसको डिस्टेंस भी कह सकते हैं, यानी कि टाइम कितना लगेगा डिस्टेंस के, जितना डिस्टेंस रहेगा उसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में डिस्टेंस लगेगा। तो टाइम ये दिया है फर्स्ट बार में जो टाइम दिया है और सेकंड बार में टाइम दिया है, और फर्स्ट का लेंथ और सेकंड का लेंथ। तो इस तरीके से आप इसको प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो इस तरीके का एक फॉर्मूला टाइप का आ जाएगा। तो ठीक है, टाइम क्या फर्स्ट का दिया है 7 दिया है और दूसरे का दिया है 4 दिया है, अब लेंथ कहां से लेंगे, 1 मीटर है एक में 280 मीटर है एक में पूछ रहा है, तो लेंथ में कंफ्यूजन है। तो लेंथ पूछ रहा है पहले का लेंथ क्या दिया है, ब्रिज का दिया है 280 मीटर, पहले ब्रिज का 280 मीटर, ये L1 है और ये L2 पूछ रहा है। तो हम कहेंगे, आप कहेंगे सर जो ट्रेन का जो है यहां से ट्रेन इसमें जा रही है, मतलब ये ट्रेन इसमें इस पुल में घुसी, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस टोटल होगी। आप कहेंगे कि ट्रेन जब ये ब्रिज में जा रही है तो ट्रेन की लंबाई प्लस ये ब्रिज की लंबाई दोनों काउंट हो गए, यानी कि आप कहेंगे कि यहां से 280 लिखे हैं प्लस 1 कर दीजिए, यानी 280 ब्रिज का और एक ट्रेन का। तो इसमें आपने लैंग्वेज, यही तो लैंग्वेज क्रिएट कर रहा है प्रॉब्लम, कि लैंग्वेज में क्या दिया है, लैंग्वेज में दिया है कि इसने ऑब्जर्व किया, ट्रेन ने नहीं ऑब्जर्व किया। ट्रेन अगर मान लिया ट्रेन एक सजीव हो यानी कि लिविंग हो, तो ट्रेन ने ऑब्जर्व नहीं किया, ट्रेन में बैठे आदमी ने ऑब्जर्व किया कि उसको 7 मिनट लग रहा है, यानी ट्रेन में जो इस पॉइंट पे जो बैठा है
वो समझ उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे ही इस इतना पार्ट मान लिया, इतना पार्ट ट्रेन का जो और इतना पार्ट पीछे वाला पार्ट, यानी ये पल्सर बैठा हुआ है, पल्सर के आगे वाला पार्ट का ट्रेन अगर इस ब्रिज में गया तो उसको नहीं पता कि ब्रिज में गया कि नहीं गया, उसको पता कब लगेगा जब ये बंदा इस पॉइंट पे आएगा, समझ रहे। ये ट्रेन अगर इसमें घुसा तो इसको नहीं पता है बंदा को कि ट्रेन कहाँ जा रही है, ट्रेन का मुंडी किधर है, मतलब कि वो ब्रिज में गई है कि नहीं है, उसको कुछ नहीं पता है। ट्रेन इतना दूर तक अंदर चला गया फिर भी बंदे को मस्ती में है कि अरे अभी तो हम ब्रिज से बाहर ही हैं। जैसे ही ट्रेन या ये वाला बंदा यहाँ पे पहुंचा ब्रिज के पॉइंट पे, और तब इसको लिया जाय हुआ, अरे ये तो हम मैं इसमें आ गया, ब्रिज में आ गया। तो ब्रिज में आ गया तब यहाँ काउंट हो गया कि जब यहाँ पॉइंट आया यानी बंदा यहाँ पे आया और फिर यहाँ से निकल गया, जब यहाँ पे बंदा था इस ट्रेन में तो यहाँ पे आया, तब इसको लिया जाय हुआ कि हम पुल में आ गए और यहाँ से निकल गया। तो यानी कि पीछे वाला डब्बा के बारे में इसको कोई पता नहीं है कि पीछे वाला डब्बा किधर है, इसको जब यहाँ से निकल गया तब इसको लगा कि अच्छा इतना से इतना दूरी हम ट्रेवल किए, उसमें हमको 60 मिनट लगा, उसके आगे पीछे वाला डब्बा से उसको मतलब नहीं है, उसको खुद से मतलब है। वो कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि खुद रियलाइज किया कि यहाँ से यहाँ तक के दूरी उसको मतलब कि ब्रिज की दूरी 7 मिनट लगा, तो इसीलिए यहाँ पे 1 मीटर नहीं जोड़ेंगे, यानी कि ट्रेन की जो लंबाई है वो नहीं जोड़ेंगे। तो ठीक है, L2 क्या आ गया, और इस और सेकंड कंडीशन में यही कह रहा है कि अगर ये ट्रेन फिर सेकंड ब्रिज में जाती है तो सेकंड ब्रिज में भी जाती है तो वही कंडीशन होगा, ट्रेन वाला डब्बा नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि इसको डब्बे से मतलब नहीं है, इसको खुद को रियलाइज किया है, वो ट्रेन रियलाइज नहीं किया, ट्रेन ने महसूस नहीं किया, महसूस किसने किया, इस बंदे ने जो इसके अंदर बैठा है, तो इसमें भी 1 नहीं जोड़ेंगे। तो L2 क्या आ जाएगा, 280 × 4/7 28 40 यानी 160 मीटर, यानी कि सेकंड वाले का ब्रिज का जो लंबाई होगा 160 मीटर। तो ये क्रिएट क्या किया है, ये प्रॉब्लम में आपको सब पता है लेकिन ये लैंग्वेज प्रॉब्लम है, लैंग्वेज क्या दिया होगा, तो आप लैंग्वेज पे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आगे लेते हैं अगला प्रश्न, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा अगला प्रश्न, तब तक मैं इसको रब कर दूं। अगला प्रश्न आपने पढ़ लिया होगा, मैं पढ़ के बताता हूं। कह रहा है ड्यू टू टेक्निकल स्नैग, इन स्नैग मतलब बाधा, तो ड्यू टू टेक्निकल स्नैग इन द सिग्नल सिस्टम टू ट्रेन स्टार्ट अप्रोचिंग ईच अदर ऑन द सेम रेल ट्रैक फ्रॉम डिफरेंट स्टेशन 240 किलोमीटर अवे फ्रॉम ईच अदर। वेन द ट्रेन स्टार्ट ए बर्ड फ्रॉम स्टार्ट मूविंग टू एंड फ्रो, मतलब इधर आगे पीछे, टू एंड फ्रो बिटवीन टू स्टेशन, टू ट्रेन, दोनों ट्रेन के बीच, एट 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, उस बर्ड का स्पीड है, टचिंग ईच ट्रेन ईच टाइम, मतलब कि एक बार गया तो इसको टच किया, फिर लौट के गया तो उस ट्रेन को टच किया, इस तरीके से आना जाना उसको लगा हुआ है उस बर्ड का। द बर्ड इज इनिशियली सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द इंजन ऑफ वन ट्रेन, जो पहले ट्रेन का उसके इंजन पे बैठा हुआ था, एंड इट मूव्स स्टिल द ट्रेन कोलाइड, जब तक ये ऐसे आगे पीछे मूवता रहता करता रहता है जब तक वो कोलाइड ना कर जाए। इफ दिस ट्रेन कोलाइड 1.5 आवर आफ्टर 1.5 आवर स्टार्ट, मतलब कि स्टार्ट के बाद 1.5 घंटे के बाद ये टकराती है, हाउ मेनी किलोमीटर बस ट्रेवल टिल द टाइम ऑफ कोलिजन। तो प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है, एक ट्रेन यहाँ पे है ये, और एक बी ट्रेन यहाँ पे है, ठीक, तो ट्रेन और दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या दिया है 240 किलोमीटर, और ये सेम ट्रैक पे चल रहे हैं, क्यों, टेक्निकल स्लैग हो गया है तो सेम ट्रैक पे चल रहे हैं। तो इस पे एक बर्ड बैठी हुए है, पक्षी बैठी हुए है, वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर जाती है, और ये ट्रेन भी मूव कर रही है और ये ट्रेन भी मूव कर रही है,
जैसे ही यहाँ पे ये बी ट्रेन आती है तो यहाँ पर इसको टच करके फिर ये वापस आती है, तो फिर ये ट्रेन यहाँ तक पहुंच गई होगी, तब तक फिर ये यहाँ पे जाती है इसको टच करके। तो जब तक आना जाना इसका लगा रहता है, तब जब तक ये कोलाइड कहीं पे दोनों ट्रेन कोलाइड ना कर जाए। तो ठीक है, कोलाइड कितने देर में कर रहा है? कोलाइड कर रहा है कि 1.5 घंटे में, यानी कि 1/1 इतना आवर में ट्रेन कोलाइड कर रही है, मतलब इतना घंटे में ट्रेन कोलाइड कर रही है। तो इतना घंटे पक्षी इधर से उधर दौड़ती रहेगी उन दोनों ट्रेनों के बीच, तो इतना घंटे में कितना ये ट्रेवल कर जाएगी वही पूछ रहा है। तो मतलब ये कोलाइड तक, जब कोलाइड हो तो पक्षी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो ठीक है, 1.5 घंटे के बाद कोलाइड कर रही है, तो यानी कि 1.5 घंटे तक वो नाचती रहेगी पक्षी। तो 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर नाचती है, मतलब दौड़ती पाती जो भी हो 60 किलोमीटर पर आवर। तो 1.5 घंटे में यानी कि 3/2, यानी कि 60 3/2 यानी 30 30 यानी 90 90 किलोमीटर। ये क्या कह रहा है कि 90 किलोमीटर ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी पक्षी, क्योंकि उसको 1.5 घंटे ही नाचना है। अब चाहे तो 1.5 घंटे में 5 बार इधर से उधर चला जाए, या चाहे तो एक ही बार, या अब 60 किलोमीटर अभी जा ही रहा है, 1.5 किलोमीटर 1.5 मिनट में 90 किलोमीटर एक ही बार जाए, या 90 किलोमीटर इसको 10 बार आने जाने में लग जाए, जो भी हो उसको तो स्पीड है फिक्स है कि 60 किलोमीटर लगेगा पर आवर, और टाइम भी फिक्स है कितना देर के बाद कोलाइड कर रही है, तो उतना ही देर उसको नाचना है। तो यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर से इतना देर नाचना, 1.5 किलोमीटर नाचना, तो 1.5 किलोमीटर से गुना कर देंगे तो इससे आ जाएगा इसका डिस्टेंस कि कितना ट्रेवल करेगी, ये है। तो ये तो ईजी है, हालांकि इसमें भी लैंग्वेज प्रॉब्लम आ जाती है अगर आप ध्यान से ना पढ़े तो। आगे देखते हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, थोड़ी ये प्रश्न है लंबी लंबी है, आप लोग क्या है कि लंबी प्रश्न को देख के छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं, अब देखिए कितना 1 सेकंड में आ गया आंसर। इतना लंबा क्वेश्चन दिख रहा था लेकिन बनाने का क्या है 1 सेकंड में, तो ऐसे ही एक और लंबी क्वेश्चन दिख रही हो, लेकिन आप इससे डरिएगा नहीं, तुरंत बनेगा, देखिए कैसे बनता है। रवि हु लिव्स इन द कंट्री साइड कॉट ए ट्रेन फॉर होम अर्लियर देन यूजुअल डे, ठीक है। हिज वाइफ नॉर्मली ड्राइव्स टू द स्टेशन टू मीट हिम, उसको उसकी वाइफ उसको लेने जाती है स्टेशन पे, बट यस्टरडे क्या हुआ कि परसों कल बीते कल ही सेट आउट ऑन फुट फ्रॉम द स्टेशन टू मीट हिज वाइफ ऑन द वे, क्या हुआ कि कल वो स्टेशन पर से पैदल चलना चालू कर दिया, रास्ते में सोचा कि वाइफ से मिल लेंगे वहीं से चल लेंगे। ही रीच्ड होम 12 मिनट्स अर्लियर देन ही वुड हैव रीच्ड, और पाया क्या कि वो 10 12 मिनट घर पहले पहुंच गया। हैड ही वेटेड द स्टेशन फॉर हिज वाइफ, यदि वो पीतू वह उसका वाइफ को इंतजार में अगर वो स्टेशन पे रहता, उसके अलावा अपेक्षा वो 12 मिनट पहले पहुंच जाता अगर वो चलना चालू कर देता है तो। आगे कह रहा है द कार ट्रेवल्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड विच इज 5 टाइम्स रवि स्पीड, जो रवि का स्पीड है उसका 5 गुना कार का स्पीड है। रवि रीच होम एग्जैक्टली 6 बजे, 6 बजे वो पहुंच जाता है एग्जैक्टली। एट व्हाट टाइम वुड ही हैव रीच्ड होम इफ हिज वाइफ फॉर वार्न्ड फॉर हिज प्लान, मतलब अगर उसकी वाइफ उसको मना कर देती कि तुम वहां से चलना नहीं, मैं स्टेशन पे ही तुम्हें लेने आऊंगी, तो कितना समय सेव करता। ठीक है, पढ़ते पढ़ते कितना तो क्वेश्चन ही भूल जाते हैं क्या होता है, तो हम समझाते हैं इसको डायग्राम से। यहाँ पे रवि का स्टेशन है ठीक है, यहाँ पे होम है, यहाँ से इसकी वाइफ आती है, यहाँ इसको पिकअप करना है। तो क्या कह रहा है कि एक दिन ऐसा हुआ कि इसको रवि चलना चालू किया, पैदल चलना चालू किया, और कहीं यहाँ पर से इसकी वाइफ मिल गई होगी, यहाँ से आ रही होगी, तो यहाँ पे वाइफ इसको मिल गई, फिर यहाँ से ये वाइफ इसको पिकअप कर ली, मतलब रास्ते में ये पिकअप कर ली, तो उसमें उसको क्या है कि 6 मिनट सेव हो गया, मतलब 12 मिनट यदियर पहुंच गया, यानी कि 12 मिनट यदियर पहुंच गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कार को 6 मिनट लगा होगा,
फिर यहाँ से पिकअप करने में, इसको यहाँ पे लाने में यानी 6 मिनट यहाँ, तो 12 मिनट इसलिए सेव हुआ क्योंकि अगर यहाँ तक जाती कार तो 6 मिनट लग जाता, और 6 मिनट फिर यहाँ पे आने में, तो यानी कि 6 मिनट 6 मिनट आने जाने में, यानी कि तभी 12 मिनट इसको सेव हो रहा है या एयरलियर पहुंच रहा है। तो ठीक है, ये 6 मिनट एयरलियर पहुंच रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है कि ये स्पीड इसका दिया हुआ है 5 किलोमीटर, सॉरी हाँ 5:1 ये स्पीड दिया हुआ है। आप ध्यान से देखिएगा, स्पीड दिया हुआ है 5:1 में। किसका है स्पीड? कार का स्पीड 5:1 में होगा। ठीक है, तो आपने देखा होगा अगर कार का स्पीड 5:1 में है और डिस्टेंस सेम है, तो हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम का। ये कार का है और ये रवि का है, रवि का स्पीड है। तो अगर डिस्टेंस सेम है तो रवि का स्पीड टाइम कितना लगेगा? 5 लगेगा, और कार का टाइम 1:5, ये टाइम लगेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो 1:5 टाइम लगेगा। लेकिन क्या दिया है कि कार टाइम कितना ले दिया है यहाँ से यहाँ जाने में? 6 मिनट, यानी एक रिप्रेजेंट कर रहा है 6 मिनट को, तो 5 कितना रिप्रेजेंट करेगा? 6 बजे 30, यानी 30 मिनट ये 6 रिप्रेजेंट कर रहा है कार का। तो अगर रवि का निकाले तो 30 मिनट, यानी यहाँ से यहाँ जाने में रवि को 30 मिनट लग जाता है। मतलब कि अगर तब तक जब तक पिकअप होता है रवि, तब तक इसको 30 मिनट लग जाता है। तो कह रहा है कि वो 6 बजे पहुंच जाता है, 6 बजे वो पहुंच जाता है। लेकिन अगर उसकी बाइक मना कर देती है, कहती है कि नहीं तुम यहीं पे रहना, मैं आके पिकअप कर लूंगी, तो यानी कि वो जब यहाँ पे मिलता है तो उसको 30 मिनट एक्स्ट्रा लग जाता है, 30 मिनट एक्स्ट्रा लग जाता है। लेकिन जब यहीं पे रहेगा, यहीं पे रवि रहेगा, तो इसको 30 मिनट बच जाएगा, यानी कि उसको चलना नहीं पड़ेगा, 30 मिनट तो नहीं चलना पड़ेगा, तो यानी कि इसको 30 मिनट बच गया। और वही प्रश्न पूछ रहा है कि कितना वो सेव कर लेगा और कितने बजे पहुंच जाएगा वो घर, कितना मिनट सेव करेगा और कितने बजे पहुंच जाएगा। तो 30 मिनट तो वो सेव कर लेगा, अगर वो यहां तक नहीं गया, वो यहीं पे स्टेशन पे नहीं बैठा रहा, 30 मिनट सेव कर लेगा। लेकिन 30 मिनट तो वो ठीक है सेव कर लिया, लेकिन या इस स्थान से यहां पर इसको पिकअप करने के लिए उसकी बाइक को 6 मिनट तो लग ही जाएगा। ठीक है, वो बंदा तो सेव कर लिया, लेकिन वो बंदा यहाँ तक आने के लिए सेव किया था 30 मिनट, लेकिन बंदी को तो यहाँ से उठाने की अपेक्षा अब तो यहाँ से उठाना पड़ेगा इस बंदे को। तो इस बंदे को उठाने के लिए 6 मिनट इसको एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा, यानी कि 6 मिनट माइनस कर देंगे तो इसका टाइम टोटल कितना सेव हो गया? 30 मिनट पहले हो रहा था, लेकिन इसको उठाने के लिए आ गया ये बंदी यहाँ पे पड़ी, तो यानी कि 6 मिनट उसको और लॉस हो गया, तो यानी कि 24 मिनट टोटल सेव होता है। अगर ये बंदी यहां से उठाती तो इसको टोटल 30 मिनट के अलावा बनिस्पत 24 मिनट सेव होता है। लेकिन और क्या कह रहा है कि वो 6 बजे पहले पहुंचता था इस कंडीशन में, तो 6 बजे, लेकिन अब क्या है कि 24 मिनट उसको सेव हो गया, 24 मिनट सेव हो गया, यानी कि 5:36 में अब पहुंचेगा वो घर। वही प्रश्न पूछ रहा है कि कितने बजे वो घर पहुंचेगा। आंसर आपको नहीं पता होगा, लेकिन इसका आंसर वही है 5:36। तो इसका प्रश्न क्या क्या रहा है कि एक बंदा है, इसको अब फिर से समझा दूं, एक बंदा है यहां से, यहां स्टेशन पे रहता है, उसकी वाइफ यहाँ लेने आती है, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो बंदा यहाँ तक चला आया और तब इसको वाइफ यहाँ से उठा के ले गई यहाँ पे, यानी कि, और इस दरमियान उसको टोटल कितना सेव हो गया? 12 मिनट, यानी कि 6 मिनट जाने में कार को लगा हुआ, 6 मिनट आने में, यानी कि 6 मिनट कार का स्पीड टाइम हो गया आने जाने का। लेकिन और एक दूसरा कंडीशन दिया है कि कार और ये रवि का स्पीड है 5:1 के। लेकिन क्या है कि अगर स्पीड दिया हुआ है, डिस्टेंस सेम है, तो टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, यानी कि ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, यानी कि टाइम इसको लगेगा कार को 1, तो इसको लगेगा 5,
अगर इसको 6 मिनट लग रहा है कार को, तो ये इतना ही डिस्टेंस तो सेम ही है, तो इतना ही डिस्टेंस इसको 30 मिनट लगेगा, यानी कि 30 मिनट इतना दूर जाने में रवि को 30 मिनट लगा। तो कह रहा है कि, लेकिन बाइक उसको मना कर देती है कि तुम यहीं पे रहना, तो यानी कि यहीं पे रहना, यानी कि 30 मिनट वो उसको चलना नहीं है, तो 30 मिनट वो सेव कर लेगा, लेकिन बाइक को है आगे बढ़ उठाना है, मतलब 6 मिनट और आगे जाना है, लेकिन जो 30 मिनट सेव हुआ उसमें माइनस कर देंगे 6, तो 24 मिनट टोटल सेव हो जाएगा। तो जो 6 बजे पहले पहुंचा था, तो 24 मिनट जो सेव हो गया, तो यानी 5:36 में अब पहुंचेगा। तो इस तरीके से ये प्रश्न बना सकते हैं आप। अगला प्रश्न देखिए, आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आपको हर प्रश्न का यहाँ ऐसा समझाया जाएगा कि आपके दिमाग में बैठ जाए। आगे प्रश्न है, आपने पढ़ा? ठीक है, मैं आप पढ़ के इसको बताता हूं कैसे की करना है। टू मेन स्टार्स एट द सेम टाइम अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, दो मैन है अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट करता है, ए टू बी, ठीक है, विच इज 135 किलोमीटर अपार्ट। ए मैन हु इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी ट्रेवल्स 12.5 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर, 11.5 किलोमीटर इन सेकेंड आवर, 10.5 किलोमीटर इन थर्ड आवर, एंड मूविंग अहेड इन द सेम वे। मतलब क्या कह रहा है कि हर 1 घंटे में शायद 1-1 घंटा 1-1 किलोमीटर वो कम करता हुआ जा रहा है, ठीक है, ये कम करता हुआ अर्थमेटिक मीन की तरफ ये क्वेश्चन इशारा कर रहा है। एंड द अदर मैन हु इज मूविंग अहेड फ्रॉम बी टू ए, जो बी से ए की ओर जा रहा है, वो पहले घंटा 15 किलोमीटर, फर्स्ट घंटा में और सेकंड घंटे में 14 किलोमीटर और थर्ड घंटे में 13 किलोमीटर, यानी ये भी 1-1 किलोमीटर वो डिक्रीज कर रहा है। तो कहता है आफ्टर हाउ मेनी आवर्स एंड हाउ मच डिस्टेंस फ्रॉम ए विल मीट ईच अदर। तो कह रहा है कि कितने समय के बाद और कितने डिस्टेंस में एक दूसरे को मिलेंगे, ए से कितने डिस्टेंस की दूरी पे मिलेंगे। तो ठीक है, देखते हैं क्या प्रश्न कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि एक यहां पे है, एक यहां पे है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना है, 135 किलोमीटर है, एक ये है और एक बी है, ठीक है, पहले घंटे में ये कर रहा है 12.5 किलोमीटर और दूसरे घंटे में 11.5 किलोमीटर, और सेम इधर से बी वाला बंदा जो पहले घंटे में 15 किलोमीटर चल रहा है और दूसरे घंटे में 14 किलोमीटर, सो मतलब कि एक एक घटा के चल रहा है। तो क्या कह रहा है कि कितने ए से कितने दूरी पे मिलेंगे और कितने समय पे मिलेंगे, ठीक है, यही प्रश्न कह रहा है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। 1 घंटे में ये 12 किलोमीटर 12.5 चल रहा है और ये कितना चल रहा है, 15 किलोमीटर चल रहा है, तो यानी कि 1 घंटे में टोटल डिस्टेंस कितना हो गई दोनों की, एक दूसरे की तरफ चल रहा है, तो यानी 12.5 प्लस 15 किलोमीटर, ठीक है, यानी कि 27.5 किलोमीटर पर आवर, ये मतलब 1 घंटे में चला। फिर तो वैसे ही तो इसमें कितना है कि अगला में चलेगा क्या, 11.5 प्लस 14 यानी कि 25.5 किलोमीटर, यानी कि दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 किलोमीटर आ रहा है, 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर आ रहा है, और ये 2 किलोमीटर इसी तरीके से आगे चलता जा रहा है, हर घंटे में 2-2 किलोमीटर का डिफरेंस चल रहा है, यानी कि ये अर्थमेटिक मीन बना रहा है। तो अर्थमेटिक मीन बना रहा है, तो इसका क्या है कि सपोज कर लेंगे, ठीक है, आपका टी टाइम मिलेगा, टी टाइम मतलब एंथ टर्म होता है उसमें, एंथ टर्म अर्थमेटिक मीन में, तो यही एंथ को टी टाइम में लिख देंगे, तो टी टाइम में मिलेगा, तो उसका क्या होता है, टी अपॉन 2 प्लस 2a प्लस d इंटू n माइनस 1, ये होता है, और ये
अर्थ में, और ये टोटल डिस्टेंस, हाँ ये सम होता है, ये सम होता है, ये सम होता है t प्लस टू प्लस इंटू टू ए प्लस टी इंटू एन माइनस वन, ये सम होता है। तो ये कितना दिया हुआ है टोटल, ये दोनों को जो चलेंगे डिस्टेंस, उसका डिस्टेंस कितना है टोटल, 135 किलोमीटर है। तो ये t समय बाद में लेंगे, t अपॉन टू हो गया 2a, ये क्या हो गया, ये पहला टर्म ये हो गया 27, पहला टर्म ये हो गया 2a, तो 2 इंटू 27.5 प्लस t माइनस 1 और d, d क्या है, d है 27.5 माइनस 25, तो ये सेकेंड टर्म में से फर्स्ट माइनस करेंगे तो यानी कि घट रहा है, तो माइनस यहाँ का 2 होगा, यहाँ डिफरेंस माइनस 2 क्यों लिए, क्योंकि सेकेंड में से माइनस 2 करेंगे, क्योंकि एक दो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, तो क्या है सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाते हैं तभी तो वो डिफरेंस आता है, तो सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को घटाएंगे तो यहाँ माइनस 2 डिफरेंस आ गया, तो ये इक्वल टू 135। तो यहाँ से b, यहाँ से t कितना आ जाएगा, t अगर आप सोल्व करेंगे तो 6 आवर, t कितना 6 आवर, आप इसको सोल्व कर लेंगे, क्योंकि मैं इसको समय बचाने के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप इसको सोल्व कर सकते हैं, t को 6 आवर आ जाता है। तो 6 घंटे बाद, यानी कि 6 घंटे बाद कहीं इस पोजीशन पे मिलेंगे, 6 घंटे के बाद ये इस पोजीशन पे मिलेंगे। अब अर्थमेटिक मीन कैसे लिए ये समझने की वाली बात है, देखिए पहला घंटे में ये 27.5 चल रहा है दोनों मिलके, दूसरे घंटे में 25.5, तीसरे घंटे में वही समथिंग 23.5 चलेगा, तो यानी कि ये सीरीज बन रहा है। तो एंथ टाइम आधे घंटे में मिलेंगे, मान लिया एंथ घंटे में मिलेंगे, तो एंथ घंटे क्या होता है टी, एंथ घंटे में मिलेंगे तो 2a प्लस d इनटू, ये अर्थमेटिक मीन का सम का फॉर्मूला आता है, तो टोटल कितने चलेंगे 135, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोनों को मिलकर कवर करना है, तो टोटल 135 किलोमीटर चलेंगे, तो उससे एंथ टर्म यानी t कितना आ जाएगा, t 6 आवर आ जाएगा, यानी 6 घंटे बाद कहीं पे मान लिया यहाँ